ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जानते हैं एनडीए में आजकल काफी हलचल चल रही है, पिछले साल तो शिवसेना भी छोड़ के भाग गई मोदी जी को, इतना पुरानी पार्टी, और इस बार तो अकाली दल भी छोड़ के भाग गया, 3 बिल लाए किसानों के खिलाफ उसके कारण उसको छोड़ के भाग गई। अब आरएलपी जो है वो भी भाग रही है, भाग गई। अब जो बीजेपी की गतिविधि है कि छोटी मछली को निगल जाओ, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी रूप में अब मोदी जी, अमित शाह बिहार के जेडीयू को निगलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को निगलना चाहते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल के 6 विधायक को जेडीयू को तोड़ के लेके चली गई भाजपा। क्या संदेश देना चाहती है भाजपा? चूंकि भाजपा छोटी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है और छोटी पार्टियों के वजूद को ख़त्म करना चाहती है, जो उनके साथ है उसको भी या तो अपने आप में विलय कराना चाहती है, और चाहती है कि नीतीश कुमार जी जेडीयू भाजपा को स्वयं छोड़ दे। इसीलिए ये सूचना और भी मिल रही है कि अगला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा उसमें चिराग पासवान को ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि नीतीश कुमार जी और थोड़ा गर्म हो सकें। और अब इसीलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए को छोड़िए और महागठबंधन में आइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और आप केंद्र की राजनीति कीजिए, विपक्ष का नेता बनिए, आपको सब लोग आपको समर्थन दे देगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप 16 साल रह चुके मुख्यमंत्री, 16वां साल आपका चल रहा है, थक भी गए हैं, उम्र भी हो गया है, अब केंद्र का राजनीति कीजिए। दिल्ली पटना में कितना रहिएगा, राज्य में कितना रहिएगा, बिहार में। इसलिए अब नौजवान लड़का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए, यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।